बात बच्चों, पिछली कक्षा में बेटा हम लोगों ने अपठित गद्यांश का परिचय जाना था, है ना। अब आज उसके बाद हम लोग ये अपठित गद्यांश के बारे में दसवें जो था, जिसको कि आप लोगों को गृह कार्य में मैंने बोला था कि इसे आप पढ़िएगा, पढ़ के देखिएगा। आप लोगों ने पढ़ा था बेटा। चलिए इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है। गद्यांश क्या है? रीनु ने सबसे कह दिया कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है। दूसरे दिन 1 अप्रैल थी। सुबह से रीनू के मन में शाम का नजारा देखने की बेचैनी थी। जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती रह जाएगी, वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को बुलाया नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं। उस समय सबके चेहरे देखने लायक होंगे। सारा दिन स्कूल में उसका मन नहीं लगा, लेकिन एक बात सबसे मुश्किल थी, वह यह कि रीनू ही तो सबका अप्रैल फूल बना रही थी। बिना गए सबके खिसियाने चेहरे कैसे देखेगी, इसलिए उसे तो जाना ही होगा। वह भी एक डिब्बे में कागज भरकर उसे सजाकर रेवा के घर गई। उसके घर पहुंची तो देखा सब खा पी रहे थे। रेवा ने उसे देखा तो खींचकर अंदर ले गई। सचमुच रेवा का जन्मदिन था। उसे और सबको बुद्धू बनाने के चक्कर में रीनू का ही अप्रैल फूल बन गया। तो मजा आया ना बेटा इस गद्यांश को पढ़कर, है ना, कि दूसरे को अप्रैल फूल बनाना, इसका मतलब समझ रहे हो ना। 1 अप्रैल को आप लोग भी करते हो ना, अपने दोस्तों को इस तरह से अप्रैल फूल बनाना यानी बुद्धू बनाना। तो यहाँ भी ये रेवा का जन्मदिन था वाकई, और रीनू इस चीज को अप्रैल फूल के रूप में मनाना चाह रही थी, लेकिन वाकई रेवा का जन्मदिन था, है ना। अब इस गद्यांश के आधार पे बेटा ये जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है इसको आप लोगों को करना है। आप मेरे ख्याल से आप लोगों ने मद्देनजर, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, पढ़ा होगा, तो इसके उत्तर जो है वो समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। फिर भी चलिए इस पे हम लोग विचार कर लेते हैं। रीनू ने सबसे क्या कहा था? रीनू ने सबसे कहा था कि रेवा की मम्मी ने रेवा के जन्मदिन पर बुलाया है, यही बात है ना बेटा। चलिए उसके बाद दूसरा, रीनू कौन सा नजारा देखना चाहती थी? नजारा देखना चाहती थी ना अप्रैल फूल बनाने के चक्कर में रीनू, तो वो कौन सा नजारा देखना चाहती थी? रीनू शाम का नजारा देखना चाहती थी, जब सब अपने अपने उपहार लेकर जाएंगे और रेवा हैरान होकर सबका मुंह ताकती यानी देखती रह जाएगी, यही होगा ना। चलिए अब तीसरा, स्कूल में रीनू क्या सोच रही थी? स्कूल में रीनू यह सोच रही थी कि शाम को सब लोग रेवा के घर उपहार लेकर जाएंगे तो वह और उसकी मम्मी परेशान सी कहेंगी, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर सब उपहार लेकर क्यों आए हैं, ठीक है।
अब उसके बाद रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने क्या देखा? समझ में आई क्या देखा? तो रेवा के घर पहुंचकर रीनू ने यह देखा कि सब खा पी रहे थे। सचमुच उस दिन रेवा का जन्मदिन था। उसके बाद अंतिम रीनू क्या चाहती थी और क्या हुआ? उत्तर, रीनू सबको अप्रैल फूल बनाना चाहती थी, लेकिन उसका ही अप्रैल फूल बन गया। समझ में आया ना? अब आप लोग इसका आंसर, उत्तर जो हमने डिस्कस किया उसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब आइए 11 में, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब तक ये हम लोगों ने पीछे पीछे पृष्ठ संख्या में विराम चिन्ह का बहुत ही गहन और वृहत रूप में अध्ययन किया। अब ये बेटा मेरे कहने के, इसको पढ़ने के उतार चढ़ाव के साथ आप इसको देख लीजिएगा कहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, ठीक है ना? मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं। दुकानदार मुझे लूट रहा है, आप भला काहे को विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में यह मुरली नहीं पा सकते। मुरली यहाँ समझ रहे हो, बांसुरी। मुरली नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। ठीक है, यहाँ ये उद्धरण चिन्ह बंद हो रहा है। अब आप इसको उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए और इस अनुच्छेद को पूरा कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आ जाइए 12 में, यहाँ देख लीजिए क्या है। आओ दोहराएं, यहाँ सीखना नहीं है, दोहराएं अर्थात रिवीजन करना है। ये रिवीजन करने के लिए क्यों यहाँ पे आओ दोहराएं हैं? क्योंकि इन चीजों को हमने आगे अध्ययन और अभ्यास किया है, ठीक है? तो ये 12 क्या है? निम्नलिखित शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग कीजिए, यानी अनुस्वार का चिन्ह इन शब्दों के ऊपर लगाना है। क, प्रशंसा, कहाँ हुआ नाक से उच्चारण? तालाबे श। ख, कंधा, क पे अनुस्वार। ग, दंत, द पे अनुस्वार। घ, महंत, ह पे अनुस्वार। अंग, हिंदी, ह पे अनुस्वार। च, प्रांत, प्राग पे बिंदी अनुस्वार। छ, हंस, ह पे अनुस्वार। यहाँ पे समझते ना, हंस और हंस अगर यही अनुनासिक रहता तो यहाँ पे क्रिया रूप हो जाता, हंसना, ठीक है ना? ये हंस, स्वान जिसको कहते हैं। ज, दंग, दो पे अनुस्वार, ठीक है? अब आ जाइए 13। 13 में निम्नलिखित शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग कीजिए। र का उचित रूप, जैसा कि पिछले अभ्यास में हम लोगों ने पीछे प्रयोग किया है, र के 3 रूप आप लोगों को याद होना चाहिए। और इसके तहत ये देखिए कि र का उचित प्रयोग कहाँ क्या होगा। प्रभाव, प्रभाव, ठीक है? केंद्र, दो में र होगा। ग्राहक, कर्मचारी। भ्रष्ट,
निर्दयी, आश्चर्य, प्रसाद। मैंने इन शब्दों को रॉ के रूप में पढ़ा है। अब आप लोगों को ये बताना है और करना है कि रॉ का कौन सा रूप और किस में आया। ये रिवीजन है, इसलिए आप लोग इसे कीजिएगा। अब ये 14वीं जो आया, ये आपका क्या है? उचित स्थान पर नुक्ता का प्रयोग। नुक्ता का प्रयोग भी हम लोगों ने पिछले किया है, यानी ये 12, 13 और 14 रिवीजन का था। इसमें नुक्ता का प्रयोग, रोज, टेलीफोन, ग जीनत, घ गरज, अंग लिफाफा, च नाज। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जौ और ये नुक्ता का प्रयोग कहाँ होता है। जौ और फो के नीचे होता है ना, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब आ जाइए हम लोग 15 पे आते हैं। मुहावरा, जैसा कि बेटा ये मुहावरे का प्रयोग होता है वाक्यों में होता है, पिछले पिछले क्लास से ही हम लोग इसका प्रयोग करते आए हैं। इस प्रकार इसमें अब हम इसका प्रयोग करने से पहले इसके बारे में कुछ विचार कर लें कि मुहावरा क्या है, है ना? तो मुहावरा ये शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास या बातचीत, है ना? ये हमारी तीव्र हृदयानुभूति को अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा को प्रभावशाली, मनमोहक तथा प्रवाहमयी बनाने में सहायता मिलती है। सदियों से इनका उपयोग होता आया है और आज भी इनके अस्तित्व को भाषा से अलग नहीं किया जा सकता है, है ना बेटा? जब भी कोई शब्द समूह या पद या वाक्यांश निरंतर अभ्यास के कारण सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ व्यक्त करने लगे तो उसे मुहावरा कहते हैं, है ना? जैसे उदाहरण स्वरूप हम कहते हैं कि मुंह में पानी आ जाना, ये सामान्य बात है ना? आप लोगों ने इसे मुहावरे में प्रयोग किया भी होगा, है ना? इसीलिए ये सामान्य उदाहरण में आपको उदाहरण के रूप में मुंह में पानी आना, तो इसका ये सामान्य बात है। परंतु निरंतर प्रयोग और अभ्यास के कारण हम इस पद समूह का अर्थ ललचाना कहते हैं, है ना? अतः यह पद समूह मुहावरा कहलाता है, ठीक है ना? तो चलिए वाक्यों में मुहावरे के प्रयोग से संबंधित कुछ बातों पे हम लोग पहले विचार कर लें, ठीक है? पहला, मुहावरों के मूल रूप को, मुहावरे के मूल रूप को नहीं बदलता, यानी अर्थात इसमें प्रयुक्त शब्दों को उसी रूप में स्वीकार करना पड़ता है। जैसे अंग टूटना, ये मुहावरा आप लोगों ने प्रयोग किया होगा, है ना? तो अंग टूटना को यथावत हम मुहावरे में प्रयोग करेंगे, यानी अंग टूटना को शरीर टूटना के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आई? अब दूसरा, वास्तविक अर्थ के साथ इनका प्रयोग न करके रूढ़ अर्थ के साथ ही इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आसमान पर थूकना, ये सुनने में कैसा लग रहा है, परंतु इसका रूढ़ अर्थ अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनादर करना होता है, है ना? तो हम लोग इसके इस चीज को समझे कि इसका वास्तविक अर्थ नहीं प्रयोग करके हम रूढ़ अर्थ, यानी ये इसका अर्थ समझकर और तब हम इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है? तीसरा, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होने से उसकी क्रिया वाक्य में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी।
नंबर 4, मुहावरे का प्रयोग सीमित तथा आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। अनावश्यक मुहावरों के प्रयोग से भाषा का रूप विकृत होता हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है। नंबर 5, सही वाक्य प्रयोग किसी प्रसंग से इस प्रकार गुथा हुआ होना चाहिए कि मुहावरा उस प्रसंग में पढ़कर स्वयं अर्थ प्रकट कर दे। समझ में आया? यानी उसका अर्थ खुद ब खुद छलक कर सामने दिख जाए। जैसे दाल में काला होना, आप लोगों ने बना किया है इसका प्रयोग ना, कुछ गड़बड़ होना है ना, तो समय देकर वह अब तक नहीं आया। ये उदाहरण मैं बता रही हूँ, जैसे समय देकर वह अब तक नहीं आया, लगता है दाल में कुछ काला है ना, तो इस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे और तभी ये हमारा मुहावरा सही बनेगा। इस प्रकार हिंदी भाषा में मुहावरों पर यदि अध्ययन किया जाए तो इसकी सीमा नहीं है, यानी अनेकों मुहावरे हैं, सहस्रों मुहावरे हैं जिनको संकलित करना अत्यंत कठिन कार्य है। ठीक है, अब आइए हम लोग पाठ में, आप लोगों को अभ्यास में जो मुहावरा दिया गया है उसके तहत हम लोग अब इस पे विचार करते हैं और तब इसको करेंगे। क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। ये अर्थ बताना है, लेकिन एक चीज, जैसा कि पहले ही हम बता चुके हैं कि जब भी हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं वाक्य में तो उसके अर्थ से नहीं मुहावरा, ये तब हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अर्थ अगर कहता है तो अर्थ बताएंगे, लेकिन वाक्य में हम मुहावरे का ही प्रयोग करेंगे, उस ना कि उसके अर्थ को। तो ये यहाँ है, फूला नहीं समाना, मैं इन मुहावरों के अर्थ को बता दे रही हूँ और आप लोग इसका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा खुद से। ठीक है ना, फूला नहीं समाना, अर्थ इसका होता है बहुत खुश होना, दंग रह जाना, सॉरी, दूसरा है कान भरना, कान भरना का होता है चुगली करना, है ना। उसके बाद तीसरा है गौ, दंग रह जाना, दंग रह जाना का हैरान रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, होता है ना। अब उसके बाद उल्लू सीधा करना, उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना। ठीक है, अब इन चारों मुहावरों के अर्थ को मैंने बता दिया है, आप इनका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा, CW कॉपी में कीजिएगा, बुक में यहाँ कर लीजिएगा। लेकिन उसके बाद ये देखिए 16 में, खुश होना भाव को प्रकट करने वाले कई मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी एक ये शब्द, ये 5 1 2 3 4 5 जो मुहावरा दिया गया है, ये पांचों का अर्थ आपका एक ही होगा। क्या होगा? खुश होना। पहला क्या है? मन में लड्डू फूटना। दूसरा है गदगद होना। तीसरा है जमीन पर पांव न पड़ना। चौथा है घी के दिए जलाना। पांचवा है फूला न समाना। फूला न समाना ये आपका 15 में भी आया है। इस तरह से ये 5 4 9 मुहावरा हुआ और इसका आप लोग वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। यहाँ तो अर्थ इसका बताया हुआ है, पांचों का अर्थ होता है खुश होना। ठीक है, सेवेंटीन में है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों के भेदों का नाम लिखिए। पीछे अभ्यास में हम लोगों ने संज्ञा के भेदों का अध्ययन किया है ना, अब उसके आधार पे इसका ये भी आपका एक तरह से समझिए कि ये रिवीजन है, पुनरावृत्ति है। तो ये क हो गया, मुस्कुराहट भाववाचक, किसान जातिवाचक, भिखारी जातिवाचक, धुलाई भाववाचक, महाभारत व्यक्तिवाचक, प्रेमचंद व्यक्तिवाचक, दुकान जातिवाचक, शत्रुता भाववाचक, शिमला
व्यक्तिवाचक इया विद्यार्थी, आपका ये जातिवाचक, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने 17 तक का किया है। अब आगे ये आपका है पत्र, जो कि औपचारिक पत्र, अगली कक्षा में इस पे हम लोग विचार करेंगे। अब आप लोगों को गृह कार्य के रूप में आपका पृष्ठ संख्या 14 और 15 में जो मुहावरे, जिसका कि अभी हमने चर्चा किया, ये तो जिसमें कि जिसमें पहला फूला न समाना, कान भरना, दंग रह जाना, उल्लू सीधा करना, मन में लड्डू फूटना, गदगद होना, जमीन पर पांव न पड़ना, घी के दिए जलाना, ठीक है, ये आपका एक इसमें पुनः आया हुआ है। तो इस तरह से 9 मुहावरा, जिसका कि आप लोगों को कॉपी में वाक्य में प्रयोग करके और तब आप लोगों को देना है, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद बच्चों।